अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ चिकन मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो आइए चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। हमें पहले काजू मगज दाने का पेस्ट बनाना है। तो देखिए, मैंने यहाँ 50 ग्राम काजू 50 ग्राम मगज दाना ले लिया। इसे मिक्स करके जार में ब्लेंड कर लें। तो देखिए, मैंने काजू मगज दाने को चन कर लिया और इसका पेस्ट बना लिया। हमें 100 ग्राम प्याज का भी पेस्ट बनाना है। तो देखिए, मैंने प्याज का भी पेस्ट बना लिया है। तो चलिए अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ 600 ग्राम चिकन यूज़ किया है। अब जब भी चिकन बनाएं, लेग पीसेस अगर यूज़ करते हैं तो लेग पीसेस में बीच में मार्क कर लिया करें। तो अब चिकन में इंग्रेडिएंट ऐड कर लेते हैं। 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 चम्मच दही, नमक स्वाद के अनुसार ऐड करें, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच फूड कलर, 1 पिंच गरम मसाला, 1 ड्रॉप फूड एसेंस ऐड करना है जिसे हम मीठा तर कहते हैं। सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से कंबाइन कर लें। चिकन को 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेना है। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, अभी ये कुक करने के लिए रेडी है। एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लें। 1 कप प्याज का पेस्ट ऐड कर लें। पेस्ट को हमें 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे करना है। पेस्ट हम सॉटे हो चुका है, चिकन को पेस्ट में अच्छे से कंबाइन कर लें। चिकन को हमें 6 से 7 मिनट के लिए लिड लगाकर कुक कर लेना है। इसे स्टर करते हुए कुक कर लें। हमने काजू मगज दाने का पेस्ट बना के रखा था, अब उसे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसे अच्छे से स्टर कर लें। हमने चिकन को मैरिनेट करते वक्त नमक ऐड कर लिया था। नमक टेस्ट कर लें, अगर आपके डिश में नमक कम हो तो नमक ऐड कर लें। थोड़ी किशमिश, थोड़ी काजू भी ऐड कर लें। चिकन मसाला के ऊपर जब ऑयल दिखने लगे तो आप समझ जाएं कि चिकन मसाला रेडी हो चुका है। थोड़ा गरम मसाला स्प्रिंकल करके इसे मिक्स कर लें। तो देखिए, चिकन मसाला हमारा रेडी हो चुका है, तो अब इसे सर्व कर लेते हैं। अब शादियों वाला चिकन मसाला मिस करने की ज़रूरत नहीं। शादियों में जैसे हम चिकन मसाला खाते हैं, अब अपने घर पे बना सकते हैं, तो इसे मिस ना करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।